दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 11 के बोर्ड रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, तो दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इंतजार आप लोगों का खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी जो है झारखंड अकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड ने क्लास 11th वालों का रिजल्ट जो है जारी कर दी है। और आप इसे कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे अपने से चेक देख पाओगे, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सभी छात्र जो है अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो है गूगल क्रोम को खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे सर्च कर लेना है jscresults.com। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ झारखंड अकेडमिक काउंसिल रिजल्ट.com में। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है, क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करेंगे आप जो है रिजल्ट वाला पेज पर जो है पहुंच आएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। उसके बाद देख सकते हैं यहां लिखा है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों आगे यहां पे नीचे थोड़ा सा आप देखें तो यहां पे साफ साफ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ क्लास 11th एग्जामिनेशन 2023 पब्लिक ऑन 13/6/2023। तो दोस्तों अभी अभी जो है ना क्लास 11th वालों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों रिजल्ट कैसे देखना है, तो दोस्तों सिंपली करना क्या है कि इस लिंक पर जो है आपको क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, तो सभी का रिजल्ट आया हुआ है, बशर्ते आप अपना रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पर सिर्फ रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो है रोल कोड डालना है। तो देखिए यहाँ पे रोल कोड और रोल कोड में आप रोल नंबर भी डालकर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है एकदम अपना रिजल्ट जो है चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट को देखना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, रोल कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो रोल कोड डाल देने के बाद उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों आप लाइव देख सकते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद ये सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो है रिजल्ट जो है वो इस तरह से मार्किंग सिस्टम में रहने वाला है, ना कि ग्रेडिंग में रहेगा, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है प्रमोटेड है, यानी कि इसे जो अगली कक्षा में जो है पूरी तरह से प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट को इस प्रकार से जो है फुल मार्क इस बार जो है 50 था, यानी कि 40 आपका ओमार वाला था और 10 आपका इंटरनल असेसमेंट स्कूल स्तर से दिया जाना था। वो टोटल मिलाकर फुल मार्क आपका 50 है, उसमें आपका जितना प्राप्तांक है वो आपका इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो है आपका आ चुका है। तो इसी प्रकार से दोस्तों सभी विद्यार्थी जो है अपना रिजल्ट, चाहे वो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। चाहे आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को रिजल्ट को देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।